हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अमित कुमार सिंह। आज मैं आपको एक वेल्थ क्रिएटर स्टॉक बताऊंगा, लार्ज कैप कंपनी बताऊंगा, जिसमें आप लोग लॉन्ग टर्म के लिए पैसा लगा सकते हो। इस कंपनी का प्रोडक्ट फ्रेंड हम सभी लोग घर में मौजूद है, तो आप लोग इस कंपनी को दिल खोल के पैसा लगाइए, आपका लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएट होगा। और मेरा मानना है जिस कंपनी का आपके घर में प्रोडक्ट हो उसमें तो पैसा लगाना ही चाहिए। आप अगर मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल बटन भी दबा लो। अगर बेल बटन आप अगर नहीं क्लिक करते हो तो मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको नहीं मिल पाएगा। सबसे पहले मैं इसका हाफ रिजल्ट देख लेता हूँ। और आप लोग भी किसी भी कंपनी में पोजिशन बनाने से पहले एक और उसका फाइनेंशियल कंडीशन के बारे में पता कीजिएगा, कंपनी के धंधे के बारे में पता कीजिएगा। अगर भाई उस कंपनी का धंधा अच्छा होगा, बिजनेस अच्छा होगा, उनके प्रोडक्ट अच्छे होंगे, तभी जाके वो कंपनी अच्छे रिजल्ट पेश करेंगी। और जब कोई कंपनी अच्छे रिजल्ट पेश करती है तो ही फ्रेंड लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएट होता है। तो देखो, नेट सेल टर्नओवर सितंबर 16 में था वो 2919.05 था, सितंबर 16 में 2919.05 था, और सितंबर 18 में देख लो 4787.33 हो चुका है। तो देख सकते हो इसका नेट सेल कितना जबरदस्त है, 2919 से 4787 हो चुका है। तो भाई मुझे इसका नेट सेल बहुत ही अच्छा दिख रहा है हाफ ईयरली। टोटल इनकम देख लो, टोटल इनकम भी इसका शानदार है हाफ ईयरली। सितंबर 16 में जो टोटल इनकम था वो 2975.03 था, सितंबर 16 में 2975.03 था, और सितंबर 18 में देख लो 4850.87 हो चुका है। तो भाई मुझे इसका नेट सेल टोटल इनकम हाफ ईयरली बहुत ही अच्छे दिखाई दे रहे हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट देख लो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी इसका शानदार है हाफ ईयरली। सितंबर 16 में जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट था वो 411.55 था, सितंबर 16 में 411.55 था, और सितंबर 18 में देख लो 574.76 हो चुका है। तो देख सकते हो भाई इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना जबरदस्त है, 411 से 574 हो चुका है। एबिटा देख लो, एबिटा भी इसका शानदार है हाफ ईयरली। सितंबर 16 में जो एबिटा था वो 467.53 था सितंबर 16 में, और सितंबर 18 में देख लो 638.30 हो चुका है। तो भाई मुझे इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट एबिटा हाफ ईयरली बहुत ही अच्छे दिखाई दे रहे हैं। प्रॉफिट एंड लॉस वे देख लो, प्रॉफिट एंड लॉस वो दे भाई काफी इम्पोर्टेंट होता है। तो देखो सितंबर 16 में जो प्रॉफिट एंड लॉस फॉर ईयर था वो 291.37 था, सितंबर 16 में 291.37 था, और सितंबर 18 में देख लो 389.02 हो चुका है। रिपोर्टेड पैट देख लो, रिपोर्टेड पैट भी इसका शानदार है हाफ ईयरली। सितंबर 16 में जो पैट था वो 291.37 था, सितंबर 16 में 291.37 था, और सितंबर 18 में देख लो 389.02 हो चुका है। तो भाई मुझे इसका हाफ ईयर रिजल्ट बहुत ही अच्छे दिखाई दे रहे हैं। अब मैं ईयर टू रिजल्ट देख ले रहा हूँ, पहले आप हाफ ईयर रिजल्ट देख रहे थे। तो देखो नेट सेल्स मार्च 14 में था वो 4719.69 था, मार्च 14 में 4719.69 था, और मार्च 18 में देख लो 8138.57 हो चुका है। तो देख सकते हो इसका नेट सेल कितना जबरदस्त है, 4719 से 8138 हो चुका है, और किसी भी ईयर में इसका नेट सेल नहीं कम रहा है, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है। टोटल इनकम देख लो, टोटल इनकम भी इसका शानदार है ईयर टू ईयर वाइज। मार्च 14 में जो टोटल इनकम था वो 4763.75 था, मार्च 14 में 4763.75 था, और मार्च 18 में देख लो 8255.56 हो चुका है, और ये भी किसी भी ईयर में कम नहीं रहा है भाई। तो मुझे इसका नेट सेल टोटल इनकम ईयर टू ईयर बहुत ही अच्छे दिखाई दे रहे हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट देख लो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी इसका शानदार है ईयर टू ईयर वाइज। मार्च 14 में जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट था वो 641.60 था, मार्च 14 में 641.60 था, और मार्च 18 में देख लो
1049.29 हो चुका है, और किसी भी ईयर में भाई इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट नहीं कम रहा है, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है। एबिटा देख लो, एबिटा भी शानदार है ईयर टू ईयर वाइज। मार्च 14 में जो एबिटा था वो 685.66 था, मार्च 14 में 685.66 था, और मार्च 18 में देख लो 1116.28 हो चुका है। तो देख सकते हो इसका एबिटा कितना जबरदस्त है, 685 से 1166 हो चुका है, और किसी भी ईयर में इसका एबिटा भी नहीं कम रहा है। तो भाई मुझे इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट एबिटा ईयर टू ईयर बहुत ही अच्छे दिखाई दे रहे हैं, और किसी भी ईयर में कम भी नहीं रहा है। प्रॉफिट एंड लॉस में देख लो, प्रॉफिट एंड लॉस फॉर दिवस का शानदार है ईयर टू ईयर वाइज। मार्च 14 में जो प्रॉफिट एंड लॉस फॉर दियर था वो 478.69 था, मार्च 14 में 478.69 था, और मार्च 18 में देख लो 700 हो चुका है भाई। रिपोर्टेड पैड देख लो, रिपोर्टेड पैड भी इसका शानदार है ईयर टू ईयर वाइज। मार्च 14 में जो पैड था वो 478.69 था मार्च 14 में, और मार्च 18 में देख लो 712.52 हो चुका है। तो भाई मुझे इसका ईयर टू रिजल्ट भी बहुत ही अच्छे दिख रहा है। आप लोग इस कंपनी में लॉन्ग टर्म के लिए पोजीशन बनाइए, बहुत ही बेहतरीन कंपनी है, आपको ये वेल्थ क्रिएट करके दे सकता है भाई। हैवेल्स इंडिया का अब मैं ऑफिशियल वेबसाइट पे आ चुका हूँ। इस कंपनी की जो स्थापना की गई थी वो 1958 में की गई थी। आप सभी के घर में भाई हैवेल्स का प्रोडक्ट है, तो कंपनी में पैसा लगाइए, बहुत ही बेहतरीन कंपनी है। आप सब लोग को पता ही है कि आजकल गांव में बिजली आ गया है, तो हैवल जैसी कंपनी को बहुत ही फायदा होने वाला है, और भी कई सारी कंपनी जिनको फायदा होगा ही। तो खरीद के भूल जाइए, ऐसी कंपनी है, कोई दिक्कत नहीं भाई, लॉन्ग टर्म में पैसा बनेगा ही। हैवल्स इंडिया का आपको मैं प्रोडक्ट यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ, तो देख लो। मैं यहाँ पे कंज्यूमर में गया तो हैवल्स का फैन आते हैं, आपको पता ही होगा, आपके घर में भी फैन होगा हैवल्स का। लाइट्स भी आते हैं हैवल्स का भाई, बहुत तरह के लाइट्स हैं यहाँ पे देख सकते हो। एलईडी सरफेस पैनल, एलईडी स्पॉटलाइट, एलईडी कॉब, एलईडी लैंप, और भी कई तरह के यहाँ पे लाइट्स हैं। अप्लायंस में देख लो, यहाँ पे कुकिंग, फूड प्रिपरेशन, गारमेंट केयर, क्लाइमेट कंट्रोल, स्विच, स्विच तो होगा ही भाई आपके घर में हैवल्स का, देख सकते हो कई तरह के यहाँ पे स्विच हैं। स्विच गियर भी देख लो यहाँ पे, सर्किट ब्रेकर, एनर्जी सेवर यहाँ पे देख सकते हो, और भी कई तरह के स्विचेज हैं। वाटर हीटर्स भी आते हैं भाई हैवल्स का, यहाँ पे देख सकते हो। फिक्सेबल केबल देख सकते हो, ये सब केबल है हैवल्स का, बहुत तरह के केबल्स हैं। एयर कूलर भी देख लो, हैवल्स का एयर कूलर भी आता है, अभी गर्मियों का मौसम चल रहा है। पंप भी आते हैं हैवल्स का, यहाँ पे देख सकते हो। पर्सनल ग्रूमिंग भी है हैवल्स का, वाटर प्यूरिफायर भी है, सोलर भी है। इंडस्ट्रियल में भी आपको मैं दिखा दे रहा हूँ, तो यहाँ पे देख लो केबल है, इंडस्ट्रियल में यूज होता है ये सब केबल, यहाँ पे देख सकते हो। एसटी पावर केबल, एलटी पावर केबल, एलटी कंट्रोल केबल्स, और भी कई तरह के केबल्स हैं, सोलर केबल्स भी हैं। मोटर भी देख लो, यहाँ पे देख सकते हो। हैवी ड्यूटी फैन भी आते हैं हैवल्स का, और भी कई तरह के इनके प्रोडक्ट हैं, बहुत ही अच्छी कंपनी है भाई, आप अपने पोर्टफोलियो में ऐड कीजिए। सोचिए नहीं, आप अगर 10 साल 15 साल के लिए पोर्टफोलियो बना रहे हो और बड़ा वेल्थ क्रिएट करना चाहते हो, तो हैवल्स कंपनी आपके पोर्टफोलियो में होना ही चाहिए, लॉन्ग टर्म भाई आपको ये वेल्थ क्रिएट करके देगा। हैवल्स इंडिया लिमिटेड ने अब तक किस टाइप से रिटर्न बना के दे चुका है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो देखो ये कंपनी पिछले 10 साल में बहुत ही अच्छा रिटर्न बना के दिया है, और आगे भी रिटर्न बना के देगा। तो देखो 10 साल में रिटर्न है वो 3215.93% रिटर्न है, तो ये कंपनी ने 10 साल में बहुत ही अच्छा रिटर्न बना के दिया है। सेंसेक्स का रिटर्न है वो 216.25% रिटर्न है 3 साल में, देख लो 3 साल में ये कंपनी बहुत अच्छा रिटर्न बना के दिया है, देख सकते हो 3 साल में रिटर्न है वो 117.44% रिटर्न है, जो कि बहुत अच्छा रिटर्न माना जाएगा। सेंसेक्स का रिटर्न है वो 46.21% रिटर्न है 1 ईयर में, देख लो 1 ईयर में रिटर्न है वो 33.61% रिटर्न है, सेंसेक्स का रिटर्न है 6.34% रिटर्न है। ईयर टू डेट में देख लो, ईयर टू डेट में रिटर्न है वो 6.88% रिटर्न है, सेंसेक्स का रिटर्न है 4.13% रिटर्न है। 1 मंथ में देख लो, 1 मंथ में रिटर्न है -2.89% रिटर्न है, सेंसेक्स का रिटर्न है -3.54% रिटर्न है। 1 वीक में देख लो,
वन बीक मोटाइनो -3.77% एन है, सेंसर कोटाइनो -3.65% एन है, वन डे में देख लो, वन डे में जो है वो 0.89% एन है, सेंसर कोटाइनो -0.61% एन है। तो आप लोग इस कंपनी को 715 के प्राइस पे खरीद सकते हो भाई। वैसे आप किसी भी प्राइस में खरीद लोगे तो आपका पैसा बन जाएगा, बहुत ही मजबूत कंपनी है भाई, पोर्टफोलियो में ऐड कीजिए इसको, आंख मूंद के भी खरीद लेंगे ना तब भी आपका पैसा बन जाएगा। हैवेल्स इंडिया का आपको मैं शेयर होल्डिंग पैटर्न दिखा रहा हूँ, तो देखो प्रमोटर के पास जो होल्डिंग है वो 59.55% होल्डिंग है, FIS का जो होल्डिंग हैवेल्स इंडिया में वो 27.28% होल्डिंग है, म्यूचुअल फंड का जो होल्डिंग है वो 3.88% होल्डिंग है, अदर डे पर जो होल्डिंग है वो 0.58% होल्डिंग है, नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के पास जो होल्डिंग है वो 8.71% होल्डिंग है। कोई भी शेयर हैवेल्स इंडिया का प्लेस नहीं है, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है। वैल्यूएशन भी मैं आपको दिखा दे रहा हूँ हैवेल्स इंडिया का, तो देखो पी रेशियो हैवेल्स का वो 56.22 का पी रेशियो है, प्राइस टू बुक वैल्यू हैवेल्स इंडिया का वो 11.95 का प्राइस टू बुक वैल्यू है, हैवेल्स इंडिया का डिविडेंड यील्ड है वो 0.54% का है, आरओसी जो लेटेस्ट है वो 37.81% का है, आरओई जो लेटेस्ट है वो 21.25% का है। तो भाई मुझे इसका आरओसी आरओई बहुत ही अच्छा दिखाई दे रहा है। वैल्यूएशन यहाँ पे देख लो एक्सपेंसिव बता रहा है, हैवेल्स इंडिया का अट्रैक्टिव जो प्राइस होगा वो 345 से 535 के बीच अट्रैक्टिव प्राइस होगा, जो कि कभी भी नहीं आने वाला है। आप लोग इस कंपनी में 715 के आसपास आता है भाई ये स्टॉक, तो आप लोग पोजीशन बना सकते हो लॉन्ग टर्म के लिए। क्वालिटी देख लो यहाँ पे गुड बता रहा है, सेल्स ग्रोथ जो 5 ईयर का है वो 16.53% का है, एविट ग्रोथ जो 5 ईयर का है वो 14.52% का है, तो मुझे इसका सेल्स ग्रोथ एविट ग्रोथ बहुत ही अच्छे दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे भी आप देख सकते हो हैवेल्स इंडिया ने किस टाइप से रिटर्न बना के दिया है, तो देख लो 10 साल में रिटर्न है वो 3,215% रिटर्न है, 5 साल में रिटर्न है वो 298% रिटर्न है, 3 साल में रिटर्न है वो 117% रिटर्न है, 1 ईयर में रिटर्न है वो 33% रिटर्न है, ईयर टू डेट में 6% रिटर्न है। तो देखो ये कंपनी रिटर्न भी बहुत ही अच्छा बना के दे रही है, तो आप लोग इसको पोर्टफोलियो में जगह दीजिए लॉन्ग टर्म के लिए। शॉर्ट टर्म के लिए भाई मैं नहीं बता रहा हूँ ये स्टॉक, और ये स्टॉक लॉन्ग टर्म वाला ही है। अगर फिर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। पहले से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन प्रेस करना, बेल बटन प्रेस नहीं करोगे तो मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको नहीं मिल पाएगा। और आप अपनी पोर्टफोलियो में हैवेल्स इंडिया को ऐड कीजिए, बजाज इलेक्ट्रिक को ऐड कीजिए, पॉलीकैब को ऐड कर सकते हैं। धन्यवाद।